स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। पहले दो टाइप हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर, ये दो टाइप बचे हैं, ये कंप्लीट करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र मैंने कल बताया था। मल्टी यूज़र क्या होता है? जिस कंप्यूटर को एक बार में या जिस सर्वर को एक बार में कई सारे यूज़र एक्सेस कर सकते हों, ठीक है, वहाँ से डाटा ले सकते हों। मल्टी यूज़र यानी कि उस सर्वर का, उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कई सारे यूज़र एक ही समय पर कर रहे हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी मल्टी यूज़र होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि एक बार में उस कंप्यूटर पे कई सारे प्रोग्राम चल सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जैसे इसका भी एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, जैसे कल बोर्ड की साइट का एग्जांपल दिया था, तो जैसे मैं तो बोर्ड की साइट खोल के सिलेबस डाउनलोड कर रहा हूँ, तुम में से मान लो कोई बोर्ड की साइट खोल के सिलेबस डाउनलोड कर रहा है, और कोई बोर्ड की साइट खोल के और कोई बंदा मान लो रोल नंबर से रिजल्ट देख रहा है अपना, कुछ ना कुछ कोई बुक डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ नोटिस देख रहा है, तो यानी कि और सारे एक ही साथ काम कर रहे हैं ये अपने अपने कंप्यूटर खोल के या फिर अपने मोबाइल से, तो मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहा है। एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत हाई होती है। तो तीन चीज़ बताई इसने, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस। दे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड है वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी बहुत ज़्यादा है, एंड कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मैनी यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स का वर्कलोड यानी कार्यभार संभाल सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज में बड़े होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे उनका साइज बढ़ता जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एंड पावरफुल सिस्टम्स जनरली यूज इन सेंट्रलाइज डाटाबेसेस, बहुत पावरफुल सिस्टम है, जनरली अमूमन कहाँ यूज होते हैं, सेंट्रलाइज डाटाबेसेस, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक जो है सेंटर में सारा डाटा रखा जाता हो। इसका एग्जांपल देता हूँ तब समझोगे तुम सेंट्रलाइज डाटाबेसेस का मतलब। अब जैसे पीएनबी बैंक की ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच तुम्हारे दादरी तोए में भी है, ठीक है, बहुत सारे गांव में है, झज्जर में भी है, पूरे हरियाणा में पता नहीं कितनी जगह होगी। अब पूरे इंडिया में सोच के देखो कम से कम भी 20,000 ब्रांचेज होंगी, ठीक है, वहाँ पे डेली बैंकों में कितना काम चलता है, कोई पैसे डलवाने आ रहा है, कोई निकलवा रहा है, कोई लोन के लिए आ रहा है, कोई कॉपी अपडेट करवाने के लिए आ रहा है, किस किस चीज़ के लिए आते हैं, कितना काम होता है एक ब्रांच में, तो पूरी ब्रांचेज में कितना काम होता है। अच्छा, और वो सारा काम कहाँ पे फिर से होता है, उनकी ब्रांचेज में तो होता ही होता है, लेकिन वो सारा काम लास्ट में जाके पीएनबी का हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे उन्होंने अपने मेन फ्रेम सर्वर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो पूरे इंडिया का डाटा एक सिंगल जगह, एक सेंट्रल जगह सेव हो रहा है, ठीक है, तो उस पूरे डाटा को बोलते हैं डाटाबेस, और एक ही जगह सेव हो रहा है सारा, इसलिए बोलते हैं सेंट्रलाइज डाटाबेस, यानी कि पूरी जगह का एक सेंटर में आके डाटाबेस तैयार हो रहा है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं, ऐसी संस्थाएं जैसे बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी ब्रांचेस अलग अलग जगह हों, वेयर मैनी पीपल रिक्वायर फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम डाटा, जहाँ पे जो है कई आदमी जो है सेम टाइम पे सेम डाटा का इस्तेमाल करना चाहते हों, ठीक है। अब जैसे बैंक की साइट है पीएनबी की, मैंने पीएनबी की साइट खोली, मैंने अपना जो है अकाउंट चेक किया कितने पैसे हैं, या फिर कोई ट्रांसफ़र किया, उसी टाइम पे तुम में से भी कोई अपनी पीएनबी का अकाउंट खोल के कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कई सारे आदमी एक साथ उस डाटा को, उस सर्वर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम टाइप में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे माइक्रो, मिनी, फिर तीसरा है मेन फ्रेम, तो लोड बढ़ता जा रहा है, यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो जितने ज़्यादा यूज़र्स उतना ही स्ट्रॉन्ग हमको कंप्यूटर चाहिए। तो अब हमारे पास यूज़र्स कितने हो गए, पूरे इंडिया के हो गए, इसलिए हमको मेन फ्रेम का काम लेना पड़ा।
पहले क्या था, बोर्ड छोटा, बोर्ड में ज़्यादा कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 स्टूडेंट, 1 लाख स्टूडेंट, 2 लाख, 20 लाख, इतने हो जाएंगे, तो हमारा मिनी कंप्यूटर से काम चल जाता था। लेकिन जब यूज़र्स करोड़ों में पहुंच जाएं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, और इसके एग्जांपल में बैंक्स या कंपनीज लिख सकते हो। आप चलते हैं आगे। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एक बार तुमको फोटो दिखाता हूँ, एक ये देखो, ऐसे दिखते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। माइक्रो और मिनी का तो तुमको पता है, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वैसे दिखते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखो, यहाँ पे ये स्क्रीन है, और इसके साथ मशीनरी देखो कितनी लगी हुई है, इसमें कितने सारे प्रोसेसर होंगे ये, यानी कि ये मान लो कि ये सीपीयू है इसका साथ में इतना बड़ा। इसकी हाइट होती है कितनी, जितनी तुम्हारे घर में अलमीरा होती है लोहे वाली, उतने बड़े बड़े सीपीयू इसके साथ अटैच होते हैं। उनकी कितनी कितनी जीबीज में उनकी मेमोरी होती है, कितने स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कितनी तारे हैं, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं ये बैकअप के लिए। ये इधर देखो, ये भी इनके आईबीएम कंपनी के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, अलमीरा जितने बड़े बड़े, ठीक है। अब चलते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। यानी कि सुपर कंप्यूटर्स देखो बहुत ही कम जगह यूज होते हैं, वहीं यूज होंगे जहां बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव टास्क होगा, यानी कि बहुत ही सीरियस टास्क, बहुत ही गहन, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम का पूरा अनुमान, साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे तगड़े कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है, फास्टेस्ट लिख दिया, सबसे ज़्यादा फास्ट है, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन, सबसे ज़्यादा महंगे भी हैं। दे हैव हाइएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है। सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ट बाई इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर्स दैट कैन वर्क इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं, जैसे हमने अपने मिनी कंप्यूटर में क्या पढ़ा था कि भाई उसमें ना, उसमें माइक्रो कंप्यूटर में क्या पढ़ा था कि उसका माइक्रो नाम क्यों है, क्योंकि उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। लेकिन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में वैसी वैसी चिप, कई सारी हजारों चिप को एक साथ जोड़ के सुपर कंप्यूटर्स बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि पैरेलल में एक साथ काम करते हैं। अब देखो, एक प्रोसेसर चिप एक कंप्यूटर को आराम से संभाल लेती है, तो जब हजारों, मान लो 20,000 चिप इकट्ठी जोड़ दी, तो सोचो कितना पावरफुल कंप्यूटर बनेगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इसका एग्जांपल परम, परम इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अपना जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था अपना परम। अब तो आयुष नाम से भी है, कई सारे नाम से आ गए अब तो, लेकिन जो फर्स्ट आया था वो था परम, शायद 1988 में आया था। डेवलप्ड बाय सीडेक, एक सीडेक जो है संस्था है अपनी पुणे के अंदर, उसने बनाया था, ठीक है। तो ये थे हमारे दो कंप्यूटर्स, इनका भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखो सुपर कंप्यूटर, देखो तुम, सुपर कंप्यूटर के लिए पूरी पूरा हॉल चाहिए रखने के लिए, ठीक है। ये एक ही सुपर कंप्यूटर के जो साथ में सीपीयू है वो है, देखो कितने बड़े बड़े, और कितनी रो है पूरे पूरे रूम में देखो, ठीक है। स्क्रीन तो एक ही होगी, लेकिन साथ में कितने बड़े बड़े, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स के पार्ट्स हैं, कितनी सारी मेमोरी होगी इसमें, कितने प्रोसेसर होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो यही थे आज के दो टॉपिक बेटा, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।